नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 28 इयर्स है और ये काफ़ी बढ़िया पाम है, शुभ साइनों वाला पाम है और जीवन में प्रोग्रेस भी अच्छा करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। पर हर एक के जीवन में जैसे थोड़े कुछ उतार चढ़ाव आते, इनके जीवन में भी कहीं ना कहीं रुकावटें भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो सारी चीज़ों को वन बाय वन हम एनालिसिस करेंगे। जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर अगर सीधी रेखा हो या धनुषाकार बने, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते या जॉब करते। ये पाम स्क्वेरिश भी है और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है। सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग, और ये जब चौड़ाई रहती है तो व्यक्ति मेहनती भी उतना ही होता है। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज काफ़ी अच्छा है तो कार्य के प्रति जिद होगी और थोड़ा सा मूड भी रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी रहता है व्यक्ति का। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। इनके फैलेंज एक बिजनेसमैन की तरह है, ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, जिनके फैलेंज थर्ड फैलेंज एकदम सपाट होते हैं। जुपिटर की उंगली इस पाम फोटो के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम इनको रहता होगा और इसे आप रोग समझिए। जब भी ईगो इशू आए तो आप इसे रोग समझकर निग्लेक्ट करने की आदत रखिए, नहीं तो पर्सनल लेवल पर और थोड़ा सा फैमिली में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति रखता है। तो इसे आप रोग समझिए, जब भी आए निकलेक्ट करने की आदत रखिए। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट रहता है और ये फैलेंज मुड़ रहा है तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहती है। अब चलते इनके क्लोजअप की ओर, जो इंक लगा हुआ क्लोजअप है। बुध पर्वत पर काफ़ी खड़ी लाइन है तो ऐसे लोग बुढ़ापे तक अच्छा खासा जमा भी कर लेते हैं और बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है और जिनका उभार रहता है व्यक्ति सुंदर भी होता है, उसकी वाणी भी अच्छी होती है, मीठी होती है शहद की तरह और दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज व्यक्ति को प्राप्त होता है। सूर्य पर्वत पर इस फोटोग्राफ में भी शो हो रहा है, एक यहाँ पर फिश साइन है जो मैं क्लोजअप में भी शो करूँगा, एक यहाँ पर है और एक फिश साइन इनकी यहां पर भी है। और ये मैं कंफर्म कर चुका हूं, संपत्ति के बारे में भी जानकारी ले चुका हूं तो ये एक बेनिफिट इनको हमेशा जीवन में मिलेगी। और अभी ये फिलहाल सरकारी जॉब कर रहे और किसान के बेटे, और इनके जन्म के बाद ही इनके परिवार में संपत्ति का भी निर्माण हुआ है तो ये साइन इनके हाथ में है तो ये अच्छी खासी सफलता अपने जीवन में पाएंगे। और थोड़ा सा क्लोजअप है इनका, उस पर भी दिखाता हूँ ये साइन। एक ये बनी हुई है और एक यहाँ पर, ये इतनी साइनें इनके हाथ में है। तीसरी तो दिख शो नहीं हो रही है, दो शो हो रही है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इनको। और यहाँ पर विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है, ये चार लाभ दिलाती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, सरकारी लाभ जो इनको प्राप्त है अभी, व्यक्ति जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है, चाहे जॉब भी करे तो भी बड़े स्तर का करता है और खुद का बिजनेस करे तो भी बड़े स्तर का करता है। तो ये सारे किसी को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक लाभ प्राप्त होता है। और फेट लाइन पर जब आएंगे तब इसका जिक्र करेंगे
कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है, तो बुढ़ापे तक इनकम जीवन भर आती रहेगी और मल्टीपल इनकम आती रहेगी, वो क्लियर कट शो हो रहा है। जुपिटर माउंट काफी अच्छा है, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, ये सारी मल्टीपल इनकम की लाइन है। सेकेंड, सेवाभावी बनता है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाता है व्यक्ति का, और धार्मिक बनता आदमी, तो ये सारी चीज़ें इनके पास है। और एक साइन मुझे किंतु परंतु में जा रही है, मुझे कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन बनी है। अब गुरु की फिश साइन अगर होती है तो पैसा, इसका कोई पैसे से लेना देना नहीं, ये व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है, यानी ज्ञान के भूखे होते हैं। और एक यहाँ पर भी कुछ आभास हो रहा है, पर स्पष्टता नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा पढ़ा है, किताबें पढ़ते होंगे, तो ये 100% यहाँ पर फिश साइन है इनके। ऐसे लोग पढ़ने के बहुत शौकीन होते और हर तरह का ज्ञान लेने की पिपाशा इनमें रहती है, यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल चलने वाली लाइन, वर्टिकल चलने वाली लाइन, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। समय खराब भी हो तो व्यक्ति अपने जगह पर स्थिर रहता है। इनका कोई ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम दिख नहीं रहा, पर फिर भी ये लाइन है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस वाली लाइन है। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, इनमें एक माइनस पॉइंट होता है अंदरूनी मंगल जिसका मजबूत होता है। शारीरिक ऊर्जा तो भरपूर मिलती है, एक सैनिक या स्पोर्ट पर्सन की तरह मिलती है, पर इनको अपशब्द बोलने की आदत होती है। जवानी में और टीनेज में बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलते हैं और धीरे धीरे कम होता है, पर एकदम निकलता नहीं। भारी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक माइनस पॉइंट है इनके चंद्र पर्वत पर, वो है ये जब क्रॉस होता है तो हमेशा जीवन के प्रति डर लगता है, डर सताता है, ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। तो मैं इसका उपाय दे दूंगा, क्योंकि इस तरह की चीजें व्यक्ति को डर पैदा करती है, और बहुत आसान उपाय है। और चंद्र पर्वत इतना ट्रिमेंडस अच्छा है कि ऐसे लोगों का विदेश से संबंध आता ही है, एक फेट लाइन भी इनकी विदेश की तरफ जा रही है, और जीवन रेखा भी पूरी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। तो ऐसे लोगों का विदेश सेटलमेंट के चांसेस काफी उज्जवल रहते हैं, काफी उज्जवल। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते हैं, रिफाइंड सोच होती है, नई नई चीजें करने का शौक होता है, ये सारा एडवांटेज है। और एक बुध रेखा यहां से निकली, यहां तक चली, दूसरी और रेखा निकलकर यहां तक जा रही है। ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छी उन्नति करते हैं जिनके हाथ में बुध रेखा होती है। हाथ के नीचे काम करने वाले भी ज़्यादा लोग होते हैं और काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं बुध रेखा वाले। और इसके द्वारा एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है, मनी ट्रायंगल तो छोटा बन रहा है, पर फिश साइन वालों को मनी ट्रायंगल न भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति अपने जीवन में जमा कर लेंगे। अभी भी ईश्वर की दया से ऐसी कोई कमी नहीं है इनके जीवन में। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लग्जरियस लाइफ रहेगी इनके जीवन में। और ये जो फोर्क बनता है ये व्यक्ति को यात्रा ज़्यादा करवाता है, और शुक्र अच्छा होता है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह रहता है, खुद का प्रेजेंटेशन व्यक्ति अच्छा रखता है। अब हृदय रेखा देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। ऐसे लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, भरोसे लायक होते हैं, किसी का 100 रुपया भी बाकी होगा तो सामने से जाकर देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये सीधी चलकर आगे जा रही है, और एक दो लाइनें नीचे जा रही है, माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है, और एक दो फ्लड लाइन भी है, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और काफ़ी अच्छी हृदय रेखा है तो जीवन का आनंद भी लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज व्यक्ति को प्राप्त होता है जब इतनी अच्छी हृदय रेखा हो तो। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, और ये सीधी चलकर यहाँ तक जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी महत्वाकांक्षा पूरी भी करेंगे और थोड़े से धार्मिक भी बनेंगे,
और माइंड लाइन अच्छी है तो बुद्धि चातुर्य अच्छा होता है, 5 मिनट भी फालतू वेस्ट नहीं करते, कोई ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश करते। सेकंड, बुद्धि के बल पर जीवन में विकास करते। थर्ड, बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा बोल बोल करते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो झुक नहीं रही है पर थोड़ी सी झुक रही है तो किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, पर उतना भी नहीं, बहुत ज़्यादा झुके तो वो व्यक्ति ज़्यादा एक व्यक्ति को पकड़ कर बोल बोल करता है। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो ये एक, इनके जीवन में 27 में शादी हुई, उसके पहले लगभग 25 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा था, तो कोई ना कोई रुकावट आई होगी। एक 23 के आसपास ये रेखा काट रही होगी तो कोई रुकावट आई होगी, अगर काट नहीं रही होगी तो अलग चीज़ होगी। और 20-21 के आसपास भी एक राहु रेखा है, और उसके पहले भी एक राहु रेखा है 2 साल पहले, तो इतनी राहु रेखाओं से ये गुजर चुके हैं। और उसके पहले भी जीवन रेखा देखे तो फिश साइन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जब ये यव साइन आती है तो ऐसे लोगों का पेट खराब होता है या जॉइंटिस होता है, और ये पीरियड होगा लगभग, इनके उम्र होगी लगभग 7 साल के आसपास से लेकर 5-6 साल, और ये पीरियड इतना अच्छा भी नहीं जाता जब इस तरह की कंडीशन बनती है, संघर्ष रहता है। और उसके पहले काफ़ी ऑफशूट है तो अच्छा सुनहरा समय रहा होगा। अब आने वाला समय, ये तो बीत गया, इसके बाद देखे तो एक राहु रेखा इनको यहाँ पर काट रही है, ये लगभग 34 के आसपास है, और इसी पीरियड में एक ऑफशूट भी जा रहा है। एक राहु रेखा और 36 के आसपास काट रही है, एक छोटी सी राहु रेखा है 40 के आसपास, एक ऑफशूट भी है, और कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी होगी। ये साल जो 40 वाला साल होगा, 40 के आसपास का, एक साल प्लस माइनस गिन कर चलना, इस पीरियड में खुशी भी मिलेगी, छोटी सी रुकावट भी कोई आएगी, और नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी। उसके बाद 44 में एक राहु रेखा काट रही है, उसके बाद 47 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, और इसी रेखा में ये रेखा आगे चलकर ये ऐसे जा रही है, तो हो सकता है ये विदेश भी लेकर चली जाए। ये 44 के आसपास ये पीरियड में यात्राएं ज़्यादा होगी इनको, और ये एक ऑफशूट 47 का, उसके बाद 47 के बाद 52 में एक ऑफशूट है, एक ऑफशूट 54 में, तो ऑफशूट भी साथ में मिले हुए हैं, तो ये एक एडवांटेज है। और जीवन रेखा पूरी चलकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, और ये फोर्क बन रहा है, तो यात्राएं ज़्यादा जीवन में करनी पड़ेगी। अब इनकी धन रेखा को देखें तो धन रेखा के लिए हम दूसरे पाम में चलते फोटोग्राफ में, ये लगभग 21-22 के आसपास कोई ना कोई कट 2 बार लगा इनको, ये पीरियड 21 या 22 के आसपास होगा ये कट, इनको कोई ना कोई खर्च आया होगा उस पीरियड में, जेब से गए होंगे, और यहाँ तक इतनी धन रेखा दमदार नहीं है, यानी ये पीरियड है लगभग 28 या 28.5 तक इतनी दमदार रेखा नहीं, उसके बाद ये दमदार हो रही है, और 34 में एक कट आएगा यानी कोई खर्च आएगा, एक 33 में खर्च आएगा, और एक कट यहाँ पर इनकी लाइन चेंज होगी लगभग 33-34 के आसपास, और एक और फेट लाइन निकलेगी, पर ये फेट लाइन इतनी अच्छी नहीं है, अप टू 44 तक इतनी अच्छी नहीं है, तो एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी, और एक कट लगेगा इनको लगभग 37 में, तो कोई ना कोई आर्थिक नुकसान, एक छोटा सा कट 41 में भी लगेगा, ये भी कोई ना कोई आर्थिक नुकसान दे सकता है, एक यहाँ पर भी 41 में, ये धन रेखा विदेश से धन प्राप्ति की होती है, या किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना आया जैसा कार्य, या कभी कभी कोई काम की नहीं रहती, खाली पड़ी रहती है। उसके बाद इसका अगर उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, क्योंकि ये सिख धर्म से है तो हो सकता है मंत्रों का उपाय करे या ना करे, मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं मेरी फ़र्ज अदा कर दूंगा। और बाकी की धन रेखा एक यहाँ से ऑपरेट हो रही है, ये पीरियड लगभग होगा 41-42 के आसपास से, एक 40 के आसपास से भी एक और धन रेखा निकल कर ऊपर जा रही है, और ये भी अच्छी खासी आगे बढ़ रही है, और ये अप टू एंड तक जा रही है, और ये बीच में थोड़ी सी डल है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि शुभ साइन वाला हाथ है और ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा 50 के आसपास इनके जीवन में, और एक इन्वेस्टमेंट 54 में होगा, एक 53 में होगा और एक 50 में होगा। ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट की लाइन है और ये ही सेम लाइन इस फेट लाइन पर 49 के आसपास शो कर रही है, 50 या 49 के आसपास, ये 48 के आसपास, और यहाँ पर एक कट है तो कोई ना कोई खर्च आएगा इनको 47 के आसपास। तो ये मल्टीपल इनकम वाला हाथ है, खूब अच्छी प्रगति करेंगे। छोटी मोटी रुकावटें हर एक के जीवन में आती है, वो इनके भी है। हाँ, ये जो थोड़ा सा ये जो पीरियड है, अगर ये कनाडा जाना चाहते, अगर कनाडा चले गए तो ये अच्छा खासा प्रोग्रेस करेंगे, और ये इंडिया में रहे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोग्रेस कम रहेगी क्योंकि एक्सपेंस लेवल ज़्यादा होता है और उतनी प्रोग्रेस नहीं मिलती। पर दूसरे साइड में दूसरी दूसरी धन रेखा है तो कहीं ना कहीं से इनकम जीवन में आती रहेगी। पर ये एक पीरियड थोड़ा सा एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा, 36 से लेकर 42 तक का पीरियड, 42-43 तक का। और इसका भी मैं उपाय दे दूंगा, ये करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये अगर कनाडा जाना चाह रहे, कनाडा चले गए तो कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं, तो भी प्रोग्रेस मिल जाएगी इनको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।